आप देख रहे हैं V24 न्यूज चैनल, हर पल नई खबर के साथ। V24 न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। श्री गजानन सेवा समिति पालरी के ये स्वयं सेवक कार्यकर्ता आज दूसरे दिन लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जिसमें 7 जन आज कंटिन्यू भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें 2 जन का स्वास्थ्य भी खराब हो गया था। तहसीलदार मैडम, SDM साहब भी इन्हें समझाने के लिए आए, बताया कि आपकी मांग आगे तक पहुंचा दी जाएगी, लेकिन यह अपनी मांग पर अड़िग है और इनकी सिर्फ गोवंश के लिए मांग है कि उत्तमन टोल प्लाजा के नज़दीक हाईवे पे जो भी नित रोज गोवंश के साथ में क्रूरता होती है और वाहन चपेट में लेके उनको मार के या घायल करके भाग जाते हैं, डिवाइडर लगवाए जाए और एम्बुलेंस की सुविधा करवाई जाए। इस मांग पे आज ये 2 दिन के लिए लगातार बैठे हैं इस धूप अंधेरे में, जहाँ मच्छरों की भरमार है, सरीसृप रेंगते हैं न इनके लिए, चाहे हम शहर में बहुत सारे लोग भक्त हैं देवनगरी सिरोही में, इनके लिए न कोई पानी की व्यवस्था हम कर सके हैं, न बस्ती की व्यवस्था कर सके हैं। पहले से भी अज्ञात हो रहा तो हम कहीं से भी व्यवस्था करते या टेंट वाले से भी करते, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ये सिर्फ इसलिए यहाँ पे बैठे हैं कि गाय जो घायल हो रही है उसको कहीं पे कहाँ रख सके, उसका स्थान मिल सके। यही बंधु एक बार एक घायल सांड को शुरू विलास में लेके आए, इसी तरह बताया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। गो भक्ति की तो फौज की बाढ़ आ चुकी है, अनुदान लेने की बाढ़ आ चुकी है, अनुदान के वक्त गौशाला के साथ देने वाले भी बहुत आते हैं, लेकिन आज जो ये स्थिति बन रही है उसके लिए कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा जिला प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय से आग्रह है कि प्रशासन के लोग इन्हें अवश्य कह के गए हैं, प्रशासन इनकी बात आगे तक भी पहुंचाएगा, लेकिन जिस प्रकार 2 जन का भी स्वास्थ्य खराब है, ये बाहरी गांव से आकर के यहाँ पे सिर्फ एक गौ माता के लिए अपनी मांगे मांग रहे हैं, इनके स्वास्थ्य के लिए अगर रात्रि में अगर इनको सुविधा नहीं मिली तो ये अभी मेरे आने से पहले ही एक अवचेतन की स्थिति में थे, और इनकी मांगों को माना जाए। और जो गो भक्त देवनगरी सिरोही में दानदाता भामा साहब भी है, वो भी सोचे और जनप्रतिनिधियों को भी मजबूर करे कि एक हाईवे पे गोवंश की दुर्घटना के कारण जो है, और उसके लिए एम्बुलेंस की मांग करने वालों की क्या गलती है, इस पर ध्यान दें। धन्यवाद। इसके लिए आगे 108 की सहायता के लिए ले जा रहे, ये जिम्मेदारी जो है सारी यहाँ के प्रशासन की रहेगी। हमारे पशु एम्बुलेंस की मांग जहाँ तक नहीं मानी जाती है, और कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठेंगे और पशु एम्बुलेंस की मांग चाहे टोल प्रशासन के नियमों में संशोधन करवा के लानी पड़े या केंद्र सरकार अपने हिसाब से लाए या राज्य सरकार अपने हिसाब से लाए, पशु एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवानी पड़ेगी। जय हिंद। हमारी मांग है पूरी करो, हमारी मांग है पूरी करो, हमारी